प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कविता बाघ आया उस रात। इस कविता के लेखक हैं नागार्जुन जी। आप सभी जानते हैं बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के लिए बाघों का शिकार करते हैं। शिकारी बाघों को मारकर उनके दांत, उनकी हड्डियां और उनकी खाल निकाल लेते हैं और महंगे दामों पर उनको बाजार में बेच देते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों से, उनके दांतों से और उनकी खाल से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने बाघों को बचाने के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया 1973 में, ताकि बाघों को बचाया जा सके। और धीरे धीरे सरकार ने काफ़ी प्रावधान किए हैं कि जो लोग अवैध रूप से शिकार करते हैं उनको रोका जा सके, उनको उचित सजा दी जा सके और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए सही स्थान भी बनाए गए हैं, सुरक्षित स्थान भी बनाए गए हैं, ताकि वहां पर उनको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। और क्या आप जानते हैं पूरे विश्व भर के 70% बाघ हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। हम सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, हमारे परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। आप सभी बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं। इसी प्रकार जो बाघ होता है उनका भी अपना एक परिवार होता है। बाघ मुखिया होता है, बाघिन उसके साथ होती है और उनके भी बच्चे होते हैं। हमारी कविता में बाघ आया उस रात, उसमें दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं और दो बच्चे बताते हैं अपने बाबा को कि आप बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाघ कभी भी आ सकता है। और वैसे भी अगर बाघ हमारे सामने आ जाए तो हमारे तो पसीने पसीने छूट जाएंगे डर के मारे। हमारी इस कविता में दो बच्चों की अभिव्यक्ति है। एक बच्चा अपने बाबा से कहता है, बाघ इधर से निकला था, उधर चला गया था, वह रात के समय आया था, हो सकता है वह फिर से आ जाए, इसलिए आप रात के समय बाहर मत निकलना। बच्चा आगे बताता है, बाघ झरने के पास रहता है, जब मैं दिन के समय वहां गया था तो मैंने उस बाघ को देखा था और बाघ का पूरा परिवार उसके साथ रहता है, बाघिन और बाघ के दो बच्चे भी हैं। अब बाघ सारा दिन सोता है और अपने बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन बाघिन जो है वो पूरा दिन पहरा देती है, कहीं कोई उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर छोटा बच्चा कहता है, बाघ कोई काम थोड़े ना करता है, वह न तो ऑफिस जाता है, न ही कॉलेज जाता है, वह स्कूल में भी तो नहीं जाता। और 5 साल का बेटा बाबा से कहता है कि बाहर बाथरूम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि बाघ कभी भी आ सकता है और बाघ से हम सभी को डर लगता है। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला, उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है, वहां अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके दो बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ने जाना, वो इधर से निकला, उधर चला गया, बाघ आया उस रात, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला, उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। एक बच्चा अपनी आंखों को फैलाकर बड़ा करके हैरान होकर बता रहा था, वो इधर से निकला, कौन निकला, बाघ उधर चला गया, कि बाघ इधर से निकलते हुए उधर चला गया। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, वो अपने बाबा से कहता है कि क्या आपको पता है उस रात कौन आया था, बाघ आया था, आप रात को बाहर न निकलो। और बच्चा अपने बाबा से कहता है कि आप रात को बाहर नहीं निकलना, क्योंकि बाघ से तो हम सभी डरते हैं, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, कि उस रात को मैंने देखा था वो इधर से निकलकर उधर चला गया था, हो सकता है फिर से वो दोबारा से आ जाए। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है,
आगे बच्चा कहता है कि वही बाघ उस रात आया था जो झरने के पास रहता है। और बच्चे को कैसे पता चला कि बाघ झरने के पास रहता है? उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज यानी कि एक दिन। दिन के समय जब बच्चे बाहर गए थे तो उन्होंने झरने के पास उस बाघ को देखा था, इसीलिए बच्चा कहता है कि ये वही बाघ है जो झरने के पास रहता है और उस रात को वो आया था। बाघ उधर ही तो रहता है, बच्चा कहता है बाबा से कि बाघ उधर ही रहता है, मुझे पता है। बाबा उसके दो बच्चे हैं और बच्चा ये भी जानता है कि उसके दो बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघिन यानी कि शेर के परिवार में उनके बच्चों की माँ, और वो सारा दिन क्या करती है, पहरा देती है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। और बाघ क्या करता है सारा दिन, या तो सोता रहता है कोई काम नहीं करता, या अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए पहरा कौन देती है, बाघिन। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता? कि बाघ तो कोई भी काम नहीं करता, जैसे मेरे पापा मम्मी घर में काम करते हैं, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। दूसरा बच्चा कहता है कि वो कहीं भी काम नहीं करता, ना ही दफ्तर में जाता है जैसे मेरे पापा जाते हैं, ना ही किसी कॉलेज में पढ़ने जाता है। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। और छोटू बच्चा कहता है कि स्कूल में भी तो पढ़ने नहीं जाता है बाघ, वो तो कोई भी काम नहीं करता। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, आगाह करना यानी कि सावधान करना, और 5 साल के बेटे ने बाबा को फिर से चेतावनी दी, फिर से सावधान किया। आगाह करना यानी कि सावधान करना, और किस बारे में सावधान किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, कि बाबा बाहर बाथरूम करने के लिए रात को बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि कोई भी बाघ आ सकता है और बाघ से हम सभी को खतरा है, क्योंकि बाघ इंसानों को भी खा सकता है या उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कविता बाघ आया उस रात। आप इसको मिलकर गा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, और बड़ी ही आसान सी कविता है। एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को आप समझ जाएंगे। आइए मिलकर एक बार साथ गाते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, हाँ वही वही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके दो बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।